हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री बागेश्वराय नमः। क्योंकि मैं हनुमान जी को बागेश्वर बालाजी को बहुत मानती हूँ, तो इसलिए मैंने उनका नाम सबसे पहले लिया। अब हम जाके अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमको वॉक कैसे करनी चाहिए और कब की वॉक ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आजकल क्या होता है, आजकल लोग इतने बिजी हैं, आजकल की बिजी लाइफ में उनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो हमको अगर हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपने लिए 15 मिनट्स तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं। तो ये जितनी भी लेडीज़ हैं उन सब के लिए है और फैमिली के हर मेंबर के लिए ये है कि आपको किस तरीके से, अगर आप सुबह के 15 मिनट्स भी अपने लिए निकाल लेते हैं और इवनिंग में अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते कोई बात नहीं, लेकिन अगर मॉर्निंग के आप 15 मिनट्स भी अपने लिए निकाल लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो हमको वॉक कैसे करनी चाहिए, आप अर्ली मॉर्निंग जब भी उठते हैं, उठने के बाद अपने लिए ये सोचिए कि मैं जब भी मुझे अपना वर्क स्टार्ट करना है, अगर मुझे 8 बजे से स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट मैं 15 मिनट्स पहले मैं जग जाऊँ, उठ जाऊँ, ताकि वो 15 मिनट्स मेरे लिए हों। बस आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, अगर आपके घर में इतना स्पेस है कि आप 15 मिनट्स अपने घर के आसपास या घर के अंदर ही बहुत तेज़ तेज वॉक कर लें, 15 मिनट्स तो वो काफ़ी होगा। बट आपको वॉक किस तरीके से करनी है, आप जिस समय वॉक करते हैं अपने लिए मॉर्निंग के 15 मिनट्स आपने निकाल लिए, अब हम वॉक स्टार्ट करते हैं करना। तो हमें वॉक किस तरीके से करनी है, हमें जिस समय वॉक करनी है हमें स्लोली नहीं चलना है, हमें थोड़ा तेज चलना है। और इस हमें ना तो अपने ईयर में हेडफोन लगाना है, विदाउट हेडफोन हमें आपस में अगर हमारे साथ कोई वॉक कर रहा है तो हमें उससे भी कोई बात नहीं करनी है, हमें एक दूसरे से कोई बात नहीं करनी है, ना हेडफोन लगाना है, हमें बहुत तेज़ थोड़ा सा तेज़ स्पीड में चलना है और हमें चलते हुए ब्रीथ करनी है। किस तरीके से, पहले आप इस तरीके से ऊपर लेंगे और फिर इस तरीके से ऐसे करते हुए वॉक करें 15 मिनट्स। अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं और ये अपने डेली रूटीन में इसको अपना लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ये मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताया है, मैंने उनसे कंसर्न किया था, उनसे पूछा था मैंने इस बारे में, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर आपके लिए टाइम नहीं है बट आपको 15 मिनट्स तो हर कोई निकाल ही सकता है, आप 15 मिनट्स निकालिए और उन 15 मिनट्स में ये सोचिए कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ खुद से मतलब है और ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ। आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको ईयर में कोई हेडफोन नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको ये सोचना है कि हाँ मुझे इस समय सिर्फ अपने पर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। और इस तरीके से ब्रीथ लेते हुए आप 15 मिनट्स वॉक करिए, उसके बाद आपको जो करना है, ऑफिस जाना है, जो भी करना है आपको करिए, बट ये 15 मिनट्स इस तरीके से अगर आप वॉक कर लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। आप 10 to 15 डेज इसको करके देखिए, इसे हर कोई कर सकता है। आप अपने घर के बाहर थोड़ी सी स्पेस है आपके पास, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर इतनी स्पेस होती है, गैलरी होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है वहाँ पर, या फिर आप नीचे पार्क में जा सकते हैं, कहीं पर भी 15 मिनट्स वॉक कर लीजिए थोड़ा तेज तेज चल के, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। 50% जो आपकी हेल्थ इशू हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में हमें चलना बहुत ज़रूरी होता है और अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। किसी से बात नहीं करनी है, हेड कोई गाने नहीं सुनने, सीधा वॉक करना है, अपने पर ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है और उसके बाद फिर आपको जो भी अपना डेली रूटीन का काम करना है आप वो कर सकते हो। क्योंकि आजकल हर कोई इतना बिजी हो चुका है, उसके लिए अपने लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, वो सोचता है ठीक है आज से मैं जिम स्टार्ट करता हूँ, आज वो जिम करने के लिए जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे उसके पास टाइम ही नहीं होगा, या वो भूल जाता है, या वो इतना थक जाता है कि मॉर्निंग में उठ नहीं पाता, या घर के काम इतने हो जाते हैं, ऑफिस जाना है, ऑफिस का प्रेशर इतना होता है कि वो नहीं कर पाता। बट 15 मिनट्स हर कोई निकाल सकता है और अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ करके देखिए और मैं आपके पास जो भी न्यू वीडियो लेके आती हूँ, जो भी नई चीज़ें लेके आती हूँ, वो बिना रिसर्च के मैं नहीं लाती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आगे वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि अगर आप लोग को ये
आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा ये आपको अच्छी लग रही या नहीं लग रही, तो मैं आगे से मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का, तो मैं सोचूंगी कि हाँ मैं बना के क्या करूँ। बट मैं आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, एटलीस्ट मैं किसी और को बताऊँ और उसको भी इससे फ़ायदा हो, तो इससे मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा बनाने के लिए। और अगर आप में से किसी को कोई भी हेल्थ इश्यू है या किसी चीज़ के लिए आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपको नॉलेज गेन करके ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर हर किसी से मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, तो मुझे इसके बारे में मैं बहुत इजीली डिस्कस करके आपको बता सकती हूँ। तो आपको कोई भी इशू होगा, कोई भी चीज़ की आपकी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, बताइए, मेरा नेक्स्ट टॉपिक आपकी प्रॉब्लम को लेके ही होगा। और ये टॉपिक भी मुझे किसी ने बोला था तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है, उसका नाम है शेषाद्री। तो उन्होंने मुझे ये बताया था, मुझसे पूछा था मैसेज करके पर्सनली, तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई है। तो प्लीज़ आपको ये अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसको हर चीज़ भूल के इसको अपने डेली रूटीन में इसको ऐड कर लीजिए। मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है मुझे, लेकिन मैंने जब से इस चीज़ को यूज़ इस्तेमाल किया है अपने, इसमें मुझे बहुत फ़र्क दिखा है। मतलब कि मुझे एक आदत हो गई है कि हाँ मॉर्निंग में मुझे उठना है तो यार मुझे 15 मिनट्स अपने लिए निकालने, फैमिली से अलग, ये मेरी लाइफ के 15 मिनट्स हैं और ये मुझे यूज़ करना है। इस समय मुझे और कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपने लिए देखना है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपनी फैमिली को देख सकते हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए हमें सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए। कि आजकल इतनी बीमारियां चल रही हैं कि आप जो भी आप घर में बहुत फ्रेश फ्रूट्स लेके आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, बट उसमें भी वो टेस्ट नहीं आता क्योंकि वो ना ऑर्गेनिक होता है, बोल देते हैं ऑर्गेनिक है लेकिन बहुत सी जो फ्रूट्स हैं वो ऑर्गेनिक नहीं निकलते। तो इसलिए हम लोग ये जो हमारी वॉक हो गई, योगा हो गई, हमारा खान पान हो गया, इन चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में ऐड करते हैं धीरे 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 धीरे, तो इससे बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है और हमारी सेहत, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। और इससे हमारे जो बच्चे हैं या फिर हम स्टूडेंट्स हैं या फिर हम वर्किंग हैं या हम हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। तो अपने लिए आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको सब, आप सबसे प्यार कर पाएंगे। आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप किससे क्या प्यार करोगे, क्योंकि आपकी खुद की हेल्थ सही नहीं रहेगी, आप खुद ही इतना वीक महसूस करोगे तो आप किसी से क्या बात कर पाओगे। तो आप खुद भी ये चीज़ करिए और अपने आसपास भी बताइए कि ये 15 मिनट्स आपकी लाइफ के लिए डेली आपको निकालने हैं। और प्लीज़ ये करके देखिए, 10 to 15 डेज करके देखिए, और फिर उसके बाद मुझे बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। मॉर्निंग में 15 मिनट्स पहले उठिए और शुरू हो जाइए, कल से ही शुरू हो जाइए। ये डिसाइड कर लो, जैसे आप ये वीडियो देखते हो ना, ये डिसाइड कर लो हाँ मुझे यार 15 मिनट्स ये करना है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी वीडियो जो है एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, और कल से मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओम श्री बागेश्वराय नमः।